हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का जो दिन है फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे और पूरे दिन नहीं थे घर पे। कल का भी हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं गया था और आज भी मंडे का दिन है तो सुबह से ही चले गए थे दवा लेने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि तबीयत अभी बराबर नहीं है तो दवा चल रहा है, तो फिर गए तो बहुत। आजकल तो गर्मियों का मौसम है फ्रेंड्स और हॉस्पिटल वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। काफ़ी शाम हो गया, हमें टाइम हो गया है। अभी के टाइम पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 7 बजने वाला है और हमने कहा बस थोड़ा सा आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं आप सभी तक। जैसे कि कल भी हमारा ब्लॉग नहीं गया था, आज भी कोई ब्लॉग नहीं गया है, तो फिर इसीलिए आप सभी से हम शेयर कर देते हैं कि आज हमारा कोई भी ब्लॉग बन ही नहीं पाया, क्योंकि सुबह से जैसे कि 10 बजे से गए पूरा दिन हमारा लग गया वहीं पर। और अभी आ रहे हैं, 10-15 मिनट पहले आ रहे हैं, तो हमने कहा सबसे पहले अपने दोस्तों से बातें कर लेते हैं। जितनी भी हमारी बहनें हैं सभी से बातें कर लेते हैं कि आज का जो है ब्लॉग नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर बच्ची अपना चारा खा रही है और पीछे का ही ये व्यू है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। सृष्टि वहाँ पर बैठी हुई है तो गेम खेल रही है और बच्चों का क्या है यही सब है। और उधर का भी अभी ठीक ठाक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा वाला बारिश तो हो नहीं रहा है फिर, और इसको भी अभी ठीक करना है हमें। इस रसोई घर के सामने से थोड़ा सा पानी जाने का चांस था तो वहाँ से हमने कवर तो कर दिया है, लेकिन अभी उसको भी ठीक से जैसे कि थोड़ा सा बांध देंगे तो सही हो जाएगा। और फिर इधर से अभी थोड़ा सा हमें जो भी खुला है इसको भी कवर कर देंगे। और पूरा जैसे हम सोच रहे हैं जो ये वाला प्लोथीन है यही लगाकर दीवार तक कवर कर दें, नहीं तो फिर क्या है कि बारिश का पानी कहीं भी गिरेगा तो दीवार भी ख़राब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बारिश का पानी यहाँ से टपका हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो कल का जो ब्लॉग होगा फ्रेंड्स काफ़ी आप सभी को पसंद आने वाला ब्लॉग होगा, क्योंकि तालाब से मिट्टी उठाएँगे, देख सकते हैं काली वाली मिट्टी ही यहाँ पर अच्छे से मिल जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ से जो उस साइड जाएंगे तो फिर वहाँ पोतनी मिट्टी मिल जाती है बहुत अच्छे से आराम से, तो पोतनी मिट्टी भी उठाएंगे कल तालाब से। और ये जो ये वाली मिट्टी है काली मिट्टी गीली गीली सी, इसकी भी हमें ज़रूरत है तो ये भी उठाएंगे, क्योंकि हमें बनाना है तुलसी का गमला। तो यहाँ पर देख सकते हैं समी का पेड़ है और गोबर अभी बाल्टी में रखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उससे हमें पुताई करना था। तो बस अभी यही कुछ जो भी है उसको कल करेंगे, पुताई उताई का काम जो रहेगा। और आज तो नहीं कर पाए जो थोड़ा बहुत किए भी थे फ्रेंड्स, वो ब्लॉग हमारा पहुंच नहीं पाया है, तो वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि तुलसी का गमला बना दे स्वामी के ठीक जैसे पेड़ के बाजू में ही, और एक साइड रहेगा। और इधर तो ऐसे ही जैसे बस नॉर्मल सा, जैसे कभी पानी उनी गिरेगा तो यहाँ पर जैसे पाइप लगा हुआ है तो इधर भी पाइप ज्वाइंट होता है तो मिट्टी बहकर ना जाए, इसलिए ईंट वगैरह से थोड़ा सा किनारे किनारे से कवर कर दिए हैं, यहाँ पट्टियाँ रख दिए हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है फ्रेंड्स। और जब एक हाथ में हमारे कैमरा होता है फ्रेंड्स तो काफ़ी हाथ में दर्द भी होने लगता है, तो हमें इधर उधर इस हाथ से लेकर इस हाथ तक चेंज करते रहते हैं कैमरे को। तो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ वीडियो नहीं आज का जाएगा फ्रेंड्स, बस यही आप सभी से बातें करना था कि आज का भी ब्लॉग हमारा आप सभी तक पहुंच नहीं पाया फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, दवा भी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और कल का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स बिल्कुल भी नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था तो इसलिए नहीं जा पाया। फिर भी हमने छोटा सा जैसे शॉर्ट जो होता है उसी को आप सभी तक पहुँचा दिया था। और आज का ब्लॉग तो कोई हम तैयार ही नहीं कर पाए थे, तो बस ऐसे ही कुछ अभी आ रहे हैं तो हमने कहा थोड़ा सा आप सभी से बातें कर लेते हैं, इसके बाद से फिर अपने काम में लगेंगे, क्योंकि शाम भी हो चुका है, खाना बनाने का टाइम अब हो ही चुका है, तो बस तैयारी करते करते हो जाएगा, क्योंकि अभी दिया बत्ती का भी टाइम हो चुका है तो सबसे पहले दिया बत्ती होगा शाम का, इसके बाद से फिर खाना बनाने में लगेंगे। तो जो भी खाना बनाने का काम होता है फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह कट कर देते हैं, बाकी का काम बिटिया रानी कर लेती हैं, थोड़ा सा ही बनाना होता है तो वो खुद ही बना लेती हैं, क्योंकि हम और जैसे सृष्टि के पापा और सृष्टि तीन जन ही हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए वो खुद ही उसको अच्छा लगता है कि हम बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे।
और ऐसे करती है, बोलती है, तो हम भी छोड़ देते हैं कि बनाओ। और यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं, देखिए मेहमान जैसे इनका मेहमान नवाजी हो रहा है। तो ये अपना तख्त पर आकर आराम से लेटी हुई हैं। और दीवार का इस साइड का, दीवार का भी थोड़ा मोटे लेयर में पुताई करना है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्रेक सा हो गया है, तो मोटे लेयर में पुताई कर देंगे। तो बारिश से बहेगा भी, तो ऊपर का मिट्टी बहेगा, नीचे का अच्छे से बैठा रहेगा। तो बस यही कुछ है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।